अस्सलाम वालेकुम, फूड इज रेडी में आज एक नई रेसिपी रॉयल पोटैटो सैलेड के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं सैलेड के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रॉयल पोटैटो सैलेड के लिए हमें पास्ता चाहिए। ये पास्ता जो है वो 2 कप है, जिसे मैंने गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इसको ठंडे पानी से निकाला है और फिर उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल मिक्स कर दिया था ताकि ये आप इसमें मिले ना। इसके अलावा इसमें 2 ही कप हमें बॉईल आलू चाहिए, जिसको क्यूब्स की शक्ल में इसकी ऐसे कटिंग कर ली है। इसमें हमें 1 बड़ा कप जो है वो गाजर का चाहिए, जिसको इसे भी गाजर को जो है वो गर्म पानी में डालने के बाद मैंने इसे सिर्फ चंद सेकंड के लिए बॉईल किया है। इसके अलावा हमें इसमें 1 कप भर के जो है वो पाइनएप्पल चाहिए, 3 टेबलस्पून इसमें मायोनीज, 2 टेबलस्पून दही है, 3 ही टेबलस्पून इसमें भर के क्रीम चाहिए, 2 टेबलस्पून किशमिश है, 2 ही टेबलस्पून इसमें सलाद के पत्ते हैं जिसे बारीक किस्म से कटिंग कर लिया है। इसके अलावा इसमें नमक है 1/2 टीस्पून, 3 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई चीनी है, 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर की शक्ल में है ये, और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर है। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस है। अब एक बर्तन के अंदर हम ये सारी चीजें इकट्ठी करेंगे और फिर इस सैलेड को तैयार करेंगे। एक बड़े बाउल में ये सारी चीजें हम इकट्ठी कर देंगे। बॉइल पास्ता, आलू, गाजर, किशमिश, सलाद के पत्ते, पाइनएप्पल, एक टेबलस्पून चिली सॉस, क्रीम, सफेद मिर्च, काली मिर्च पाउडर, नमक 1/4 टीस्पून, 3 टेबलस्पून इसमें पिसी चीनी है, दही, मायोनेज, इस सारे मिक्सर को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम, दही, मायोनेज, पास्ता, आलू, सब गाजर सब इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। रॉयल पोटैटो सैलेड जो है वो बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी किशमिश हम इसके ऊपर डालेंगे। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।